रोहतास में भारी बारिश से सदर अस्पताल पानी पानी हो गया है। मूसलाधार बारिश की वजह से अस्पताल के हर एक हिस्से में पानी भर गया है। वहीं अस्पताल में पानी जम जाने से मरीजों और उनके तीमारदारों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है, सब पानी खुद से नहीं निकलता है, बल्कि खुद से निकलना पड़ता है पानी को। यहाँ पे कोई सरकार का ना ध्यान है, ना यहाँ के डॉक्टर का, ना कोई, यहाँ बहुत दिक्कत है। पेशेंट ने कराने में बहुत परेशानी होती है, और पेशेंट को भी यहाँ परेशानी होती है। पानी लगा हुआ है तो पेशेंट को परेशानी होगा ही। दरअसल ये परेशानी हर साल आती है, लेकिन ना तो अस्पताल प्रशासन का ही ध्यान है और ना ही सरकार की नज़र इस पर पड़ी है। काफी सालों से मरीज हर तरह की परेशानी उठाने के लिए मजबूर हैं। पानी लग रहा है, इसी में हम लोग का मरीज के साथ ट्रीटमेंट करने पड़ रहा है, पानी में गिरना पड़ रहा है, पानी कितना गंदा पानी है, इसके साथ सारा हम लोग का यह करने पड़ रहा है, समस्या झेलने पड़ रहा है। इसके लिए तो मोटर एक ठोस है सरकारी, उसे चल रहा है, कितना खींचाएगा, पूरे अस्पताल में पानी भरा हुआ है। तो भी हर एक साल लगता है पानी, हर एक साल पानी लगता है। इसमें कितना लिखा पढ़ी हुआ, कितना इसमें ये हुआ, कहाँ सरकार के इस पर कोई ध्यान नहीं है। क्या नाम है आपका? साफ है कि अस्पताल में ड्रेनेज सिस्टम काम ही नहीं कर पा रहा है। बाकी इस तरह पानी अगर जमा रहा तो मरीज ठीक होने के बजाय कई बीमारियों का शिकार बन सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रोहतास से रंजन सिंह की रिपोर्ट।